भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। दुनिया की और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब भारतीय मार्केट को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट यहां लॉन्च कर रहे हैं। एमजी हेक्टर और किया सेल्टोस की सक्सेस के बाद नई कंपनियों पर भी भारतीय ग्राहक ध्यान दे रहे हैं और अगर उनको कोई वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिलता है तो वो ज़रूर उसको परचेज करते हैं। बात करें किया सेल्टोस की तो जब से लॉन्च हुई है तब से अब तक तकरीबन 80,000 किया सेल्टोस प्लस कार्निवल भारत में बिक चुकी हैं। पिछले 2-3 महीने से टॉप सेलिंग एसयूवी की लिस्ट में नंबर 1 पर अपना स्थान ग्रहण करी हुई है किया सेल्टोस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगली चाइनीज कंपनी जो अपने बेहतरीन प्रोडक्ट यानी कि कार्स लेकर के इंडिया में आ रही है, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो या फिर एसयूवी हो। मोस्टली कंपनियों का टारगेट है एसयूवी वाले कंज्यूमर जो एसयूवी को पसंद करते हैं और नई कंपनियां एसयूवी ही लॉन्च करने पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेट वॉल मोटर्स ऑफ चाइना के बारे में कि उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी बेहतरीन हैं और चाइनीज़ मार्केट में उनकी प्राइस इंडियन करेंसी में काफ़ी कम है और इन्हीं फीचर्स के साथ इसी प्राइस पर अगर इंडिया में लॉन्च करते हैं तो बेस्ट सेलिंग और टॉप सेलिंग की लिस्ट में सिर्फ ग्रेट वॉल मोटर्स के प्रोडक्ट ही होंगे। इसी की तरह एक और चाइनीज़ कंपनी है हाइमा मोटर्स। हाइवा मोटर्स के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार्स हैं, एसयूवी हैं, सेडान हैं, हैचबैक हैं। उसमें से कुछ इंडिया में लॉन्च होने जा रही हैं, कुछ होंगी इस साल और कुछ होंगी अगले साल। इस साल के अंत तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो कौन से हैं वो प्रोडक्ट्स, कौन सी हैं वो एसयूवीज, कौन सी हैं वो कार्स, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और आपने अभी तक ग्रेट वॉल मोटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, वहां से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको बेस्ट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो इस चैनल OKCAR247 पर अवेलेबल हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट हाइमा हिप्पोकैम्पस 8S। ये एक एसयूवी है। चाइनीज मार्केट में इसमें 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 195 पीएस की पावर और 293 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हाइमा हिप्पोकैम्पस 8S की बात करें माइलेज की तो इसमें 13.88 से 14.45 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें हीटेड सीट, ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट, इसके अलावा 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो फोल्ड फंक्शन, एयर फिल्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आदि मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स से भी लबालब भरी हुई है ऊपर तक। ABS, EBD, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सीट बेल्ट प्रोटेंशन विद लोड लिमिटर, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स, ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। इसके अलावा चाइना में इसकी प्राइस कितनी है इंडियन करेंसी के हिसाब से, 8,48,000 रुपये से शुरू होकर के 13,36,000 रुपये तक की इसकी प्राइस जाती है। इस गाड़ी को देख करके कहीं से भी ये गाड़ी आपको 8.5 लाख रुपये में मिलने वाली गाड़ी नहीं लगती। इंडिया में अगर ये गाड़ी 13-14 लाख में भी लॉन्च की जाएगी तो टॉप सेलिंग कार्स में आ जाएगी अगर इतने ही फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। दूसरी गाड़ी है हाइमा हिप्पोकैम्पस S5। ये भी एक SUV है। ये 2 इंजन ऑप्शन में आती है, 1.6 लीटर इंजन ऑप्शन और 1.5 लीटर। 1.6 लीटर का जो इंजन है वो 122 PS की पावर जनरेट करता है और जो 1.5 लीटर का इंजन है वो 163 PS की पावर जनरेट करता है। हाइमा हिप्पोकैम्पस S5 के माइलेज की बात करें तो 12.5 से 13.6 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। और फीचर्स की बात करें और सेफ्टी फीचर्स जो इससे पहले वाली कार में थे वो सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और प्राइस की बात करें चाइनीज़ मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से तो ये गाड़ी आपको 7,40,000 रुपये से शुरू होकर के 11,64,000 रुपये तक की मिल जाती है। तो देखिए इतने कम प्राइजेज में इतनी शानदार कार जो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है आपको मिल रही है। बात करें तीसरी कार की तो ये है हाइमा हिप्पोकैम्पस S5 यूथ एडिशन। जो इससे पहले मैंने कार बताई ये उसी का ही यूथ एडिशन है। चाइनीज़ मार्केट में इसमें 1.6 लीटर का इंजन मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी पावर और काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। चाइनीज़ मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से ये गाड़ी 6,34,000 से शुरू होकर के 9,63,000 रुपये तक जाती है। अगर इंडियन मार्केट में इसी रेट पर ये गाड़ी आती है तो तहलका मचा देगी। बढ़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ जो है हिप्पोकैम्पस M6। ये एक सेडान है। 2 इंजन ऑप्शन में आती है, 1.5 लीटर और 1.6 लीटर।
1.5 लीटर का जो इंजन है वो 163 पीएस की पावर और 223 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 1.6 लीटर का इंजन 117 पीएस की पावर और 156 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हिप्पोकैम्पस M6 सेडान की माइलेज की बात करें तो 12.5 से 14.8 kmpl का माइलेज में क्लेम किया जाता है। और जितने फीचर्स मैंने पहली वाली गाड़ी में बताए थे वही सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स भी वही सारे इसके अंदर आपको मिल जाते हैं चारों ही कार्स में। इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइना में इसकी प्राइस 1,015,000 से 1,397,000 रुपये तक है। तो देखा आपने, ये चारों ही गाड़ियाँ फीचर्स से लबालब भरी हुई हैं और लोडेड फीचर्स के साथ कितनी कम प्राइस में चाइनीज़ मार्केट में बिक रही हैं। सेम प्राइस सेम फीचर्स के साथ अगर इंडिया में लॉन्च होती हैं तो टॉप सेलिंग कार्स में आसानी से अपनी जगह बना लेंगी। और अगर 1-2 लाख फालतू भी इसके लिए लिए जाते हैं तो भी आराम से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगी इंडियन मार्केट में। हाइमा ऑटोमोबाइल की अगली गाड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है हाइमा फॉर्मिका F7। इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो 164 पीएस की पावर और 220 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। हाइमा फॉर्मिका F7 के माइलेज की बात करें तो इसमें 13.33 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। भारतीय करेंसी के हिसाब से चाइनीज मार्केट में इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 8,46,000 से और 12,70,000 रुपये तक जाती है। ये गाड़ी एक MUV है। हमारी अगली कार है हाइमा फॉर्मिका F5। ये एक प्रीमियम सेडान है, 1.6 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ मिल जाती है। 125 पीएस की पावर जनरेट करता है 1.6 लीटर का इंजन और 151 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो 14.49 kmpl से 16.12 kmpl के बीच क्लेम किया जाता है। इसके फीचर होंडा सिविक से ज़्यादा ही अच्छे हैं और दिखने में भी गाड़ी तकरीबन प्रीमियम ही लगती है, लेकिन प्राइस सुनकर के आप इसकी हैरान हो जाएंगे क्योंकि इसकी प्राइस चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से काफ़ी कम है। इतने अच्छे फीचर्स के बावजूद भी चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,34,000 से शुरू होकर के 9,84,000 तक की मिल जाती है। इंडिया में अगर सेम प्राइस सेम फीचर्स के साथ लॉन्च की जाती है ये कार तो ये कार टॉप सेलिंग सेडान्स की लिस्ट में बहुत ही आसानी से अपनी जगह बना लेगी और आराम से होंडा सिटी होंडा सिविक को कंपटीशन दे देगी। हाइमा ऑटोमोबाइल्स की अगली गाड़ी है हाइमा हिप्पोकैम्पस S7। S7 एक SUV है। इसमें आपको 1.8 लीटर का इंजन ऑप्शन मिल जाता है जो 187 पीएस की पावर और 230 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हाइमा हिप्पोकैम्पस S7 का माइलेज 11.90 से 13.33 kmpl के बीच क्लेम किया जाता है। फीचर्स इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव है, अच्छी पावर जनरेट करने वाले इस हाइमा हिप्पोकैम्पस S7 की चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से प्राइस 1,046,000 से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए ये प्राइस है 13.5 लाख रुपये। 13.5 लाख में इतनी शानदार SUV आपको मिल जा रही है। तो अगर हाइमा के इन 6 या 7 व्हीकल में से कोई 2-3 भी इंडिया में लॉन्च किए जाते हैं तो वो तहलका मचाने के लिए काफ़ी हैं। इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन कार्स के फीचर्स। सेम फीचर्स सेम सेफ्टी फीचर्स और सेम प्राइस पर भी अगर ये लॉन्च करते हैं इंडिया में तो ये गाड़ियाँ टॉप सेलिंग कार्स में आ जाती हैं, चाहे वो सेडान सेगमेंट में हो, SUV सेगमेंट में हो या MUV सेगमेंट में हो। MUV जो F7 है जो 1.5 लीटर के इंजन के साथ आती है, चाइना में उसकी प्राइस 8.5 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। 8.5 लाख रुपये से इंडिया में कौन सी ऐसी MPV है जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इतने कम प्राइस पे आती है? अगर इतनी अच्छे पावर वाली MPV इंडिया में अगर 10 लाख की रेंज में भी आती है तो ये तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सी ऐसी कार इसमें से पसंद आई जो आप चाहते हैं कि पहले इंडिया में लॉन्च हो, और कितने प्राइस पर लॉन्च होनी चाहिए? चाइनीज़ सेम प्राइस पर लॉन्च हो या कुछ ज़्यादा पर लॉन्च हो? क्योंकि यहाँ जितनी भी प्राइसेस मैंने बताई ये चाइना की प्राइस थी, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताई। और चाइना से अगर इंपोर्ट कराएंगे तो थोड़े बहुत टैक्स लगने के बाद ये गाड़ियाँ 1 लाख रुपये महंगी तक तो पड़ ही जाएंगी, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होती है तो ये गाड़ियाँ इतने ही रेट में पड़ जाएंगी। लेकिन नई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट मुश्किल से ही करेगी इंडिया में, तो वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी ये गाड़ियाँ, और इंपोर्ट होकर आएंगी तो ये थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं, लेकिन इतनी महंगी नहीं पड़ेंगी जितनी करंट मार्केट में सेम सेगमेंट की कार्स मिल जाती हैं सेम फीचर्स में। सेम फीचर्स वाली कार अगर इंडिया में इतने ही प्राइस में मिलने लगें तो भाई साहब इंडिया की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल जाएगी। और ये कार अगर सेम फीचर्स और सेम प्राइस सेगमेंट में आ जाती हैं तो तहलका मचा देंगी, टॉप सेलिंग कार्स में आसानी से आ जाएंगी। और आपने सारी ही कारों को अंदर बाहर से देख ही लिया है तो आपको पता चल गया होगा कौन सी कार कैसी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी कार पसंद आई।
ये आप देख रहे थे ओकेकार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है और आपको ये जानकारियाँ इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाती हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम नई कार्स, अपकमिंग कार्स और आ चुकी कार्स की फोटो शेयर करते हैं, या जो कार्स आने वाली हैं जिनके फर्स्ट लुक या स्पाइट पिक्चर्स आती हैं वो भी हम इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर के ओकेकार 24/7 सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, हमारा लोगो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मैसेज में अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके कार के रिगार्डिंग हो या किसी भी चीज़ के बारे में कार से रिलेटेड आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, हम उसके जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।